अमेरिका में एक महिला के साथ दुर्लभ घटना घटी है। दरअसल जुड़वा बच्चों के गर्भधारण के एक हफ्ते बाद उन्हें पता चला कि वो तीसरा बच्चा भी कंसीव करने जा रही हैं। टिकटॉक पर काफी लोकप्रिय इस महिला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लोगों को इस बारे में जानकारी दी है और अब उनका ये वीडियो काफी वायरल भी हो रहा है। महिला ने अपने वीडियो में बताया कि ये सुपर फिटिशन का केस है। साल 2016 की एक रिपोर्ट के मुताबिक सुपर फिटिशन के काफी कम केसेस डॉक्यूमेंट किए गए हैं। इसी कॉन्सेप्ट के चलते ही ये महिला कुछ दिनों के अंतराल में दूसरी बार प्रेग्नेंट होने में कामयाब रही हैं। इस महिला ने कहा कि मैंने पहली बार प्रेगनेंसी पर ही जैकपॉट हासिल कर लिया और एक साथ तीन बच्चे आ रहे हैं, तो इस बात की संभावना काफी बढ़ गई है कि ये मेरी पहली और आखिरी प्रेगनेंसी हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को साल के आखिरी दिन देशवासियों को तीन प्रमुख बातें बताईं। उन्होंने कहा कि साल 2021 कोविड के इलाज की आशा लेकर आ रहा है। पीएम ने कहा कि साल 2020 में संक्रमण की निराशा थी, चिंताएं थी, चारों तरफ सवालिया निशान थे, लेकिन साल 2021 इलाज की आशा लेकर आ रहा है। उन्होंने कोरोना वैक्सीन को लेकर कहा कि उनकी तैयारियां तेज गति से चल रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी अब तक अपने हर संबोधन में दो गज की दूरी का जिक्र करते आए थे। नए साल से पहले उन्होंने इस मंत्र को बदल दिया है। खालिस्तानी आतंकियों पर शिकंजा कसने में लगी सुरक्षा एजेंसियों को बड़ी कामयाबी मिली है। पंजाब का मोस्ट वांटेड गैंगस्टर और खालिस्तानी आतंकी सुख बिकरीवाल को भारत लाया गया है। गुरुवार को ही उसे दुबई से डिपोर्ट किया गया है। सुख बिकरीवाल पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के इशारे पर पंजाब में टारगेट किलिंग करवाता था। पंजाब के शौर्य चक्र विजेता बलविंदर संधु की हत्या करवाने में भी सुख बिकरीवाल का ही हाथ था। इसके अलावा पंजाब के नाभा में जो जेल तोड़ने की घटना हुई थी उसमें भी ये शामिल था। अब जब सुख बिकरीवाल भारतीय एजेंसियों की हत्या चढ़ा है तो उससे पूछताछ की जाएगी। साथ ही पंजाब में खालिस्तानी लिंक समेत अन्य टारगेट किलिंग से जुड़े कई मामलों पर बड़े खुलासे हो सकते हैं। सड़क परिवहन मंत्रालय ने नेशनल हाईवेज पर टोल वसूली फास्टैग के जरिए अनिवार्य बनाने की डेडलाइन 15 फरवरी तक बढ़ा दी है। केंद्र सरकार ने टोल प्लाजा पर टोल कलेक्शन को आसान और सुरक्षित बनाने के साथ साथ टोल पर लगने वाले लंबे जाम से निजात पाने के लिए सभी चौपहिया गाड़ियों के मालिकों को 1 जनवरी से फास्टैग लगवाना अनिवार्य करने का फैसला किया था। उससे पहले ईटी ने सूत्रों के हवाले से खबर दी थी कि इसकी डेडलाइन आगे बढ़ाई जा सकती है। इसकी वजह से ही अब भी कई वाहन चालक कैश में ही टोल टैक्स देते रहे हैं। मौजूदा वक्त में फास्टैग के जरिए कलेक्शन 75 से 78% के आसपास है। मंत्रालय ने NNI को भेजे एक पत्र में कहा है कि 15 फरवरी से कैशलेस फीस कलेक्शन के लिए वो जरूरी नियामकीय प्रक्रिया पूरी कर सकती हैं। एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा प्रेगनेंसी फेज एंजॉय कर रही हैं। प्रेगनेंसी में भी वो लगातार काम कर रही हैं और खुद को एक्टिव रख रही हैं। अब अनुष्का ने वोग मैगजीन के लिए फोटोशूट करवाया है। फोटोशूट में वो बेबी बम्प प्लांट करती नजर आईं। इस दौरान अनुष्का ने अपनी प्रेगनेंसी फेज और आने वाले बच्चे को लेकर भी कई बातें की। साथ ही अनुष्का ने ये भी बताया कि वो प्राइवेसी मेंटेन रखेंगी। अनुष्का ने कहा कि हमने इसके बारे में काफी सोचा। हम निश्चित रूप से नहीं चाहते कि हमारा बच्चा लोगों की नजरों में बना रहे। हम उसे पब्लिक आई में बड़ा करवाना चाहते हैं। हमारी बच्चे को सोशल मीडिया में एंगेज करने की कोई प्लानिंग नहीं है।